रोज रात में करो पत्नी के साथ ये एक काम, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय तथा शाम की शुरुआत सूर्यास्त के साथ होती है। सूर्य उदय और सूर्यास्त को दिन का संधि समय माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती है, इसके पीछे का कारण वास्तु दोष होता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलत आदतें भी शामिल होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है। दोस्तों महिला अगर चाहे तो घर को नरक बना सकती है और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, जब कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती, घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो काम। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतार जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर ये एक तरह का वास्तु दोष माना जाता है। माना जाता है कि रात के समय में नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके असर से आप में नकारात्मकता आ सकती है। रात के समय में बहुत से लोग जूठे बर्तन रख देते हैं, मगर ऐसा करना माँ अन्नपूर्णा को नाराज करने के समान है, इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे एवं सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत आदत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात के अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तु शास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हल्की सी रोशनी अवश्य रखें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या इसकी जगह आप कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। नंबर 3, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष भी लगता है, इससे घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़े, भगवान की मूर्ति एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे, इससे मूर्ति दोष नहीं लगता। रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर ना करें, दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बना रहता है। नंबर 4, घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान भी रखकर माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखी जा सकती है। कहते हैं घर में माँ लक्ष्मी का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई होती है। सूर्य उदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर से सूर्य उदय के बाद घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह के समय ही घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश मजबूरी में आपको शाम के समय झाड़ू लगानी पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में बाहर ना फेंके, अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद ही उसे घर से बाहर निकालें। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार घर की झाड़ू को रस्से से बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि इसकी सीख इधर उधर ना फैले, इससे धन की हानि हो सकती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छुपा कर रखने से
से लाभ होता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, इससे कभी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियाँ बनी रहती है और दरिद्रता नहीं आती। रात के समय झाड़ू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद लाभकारी माना गया है। कहते हैं रात के समय ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने की खतरे रहते हैं। नंबर 5, आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा हुआ होगा। घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श करना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से सुख समृद्धि दूर चली जाती है। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे ना सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होने लगती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटे और ना ही शेव कराए। कई लोग सूर्यास्त के बाद बाल कटा लेते हैं या फिर शेव कर लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानि हो जाती है। दोस्तों, ये तो थे वो काम जो रात के समय नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीतियों कदम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गए ये काम रात में जरूर करें। अगर आप भी चाणक्य द्वारा बताए गए उन कार्य को रात में अपनी स्त्री के साथ करते हैं तो आप भी बहुत जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि पत्नी के साथ ये एक काम रात में करने पर कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी से दिल खोल कर प्रेम करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी भेद ना रखें और अपनी पत्नी से दिल खोलकर रात में प्रेम करें। अगर पति पत्नी में कोई भी मतभेद हो तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना गया है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बेडरूम में बताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घर में कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जब पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है तब घर में संपन्नता अपने आप खींची चली आती है, वो व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।